फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ कारगर वैक्सीन बनाने में 6 से 9 महीने का समय लग सकता है। गार्जियन के मुताबिक वैक्सीन के अपडेटेड वर्जन के लिए 6 महीने का समय दिए जाने से वैक्सीन विकसित करने की मौजूदा प्रक्रिया में बड़ा और बेहतर बदलाव आएगा। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका में बायो फार्मास्यूटिकल्स R&D के कार्यकारी उपाध्यक्ष सर मेने पंगलोस ने बताया कि वेरिएंट पर काम आज से शुरू नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यह हफ्तों और महीनों पहले शुरू हुआ था। उन्होंने पुष्टि की कि वह नए वेरिएंट पर पूरी तरह से कारगर वैक्सीन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन शरद ऋतु यानी नवंबर दिसंबर तक जनता के लिए उपलब्ध हो सकती है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से विकसित कंपनी का टीका मूल वायरस और एक नए वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है, जो कि सबसे पहले ब्रिटेन के कैंट इलाके में पाया गया था। हालांकि अलग अलग देशों में वायरस के नए स्ट्रेन पर इसके असर पर सवाल उठते रहे हैं। आपको बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाए गए। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यह वैक्सीन कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ ज़्यादा प्रभावी नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक छोटे पैमाने पर टेस्ट के बाद निकाले गए प्रारंभिक निष्कर्ष हो सकते हैं, जिसमें मौजूदा वेरिएंट के खिलाफ भी वैक्सीन को प्रभावकारी बताया गया है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।